कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा है, या कहें कि दौर चल रहा है। इस शो में कई प्रतियोगी करोड़पति बनने आते हैं और शो को होस्ट कर रहे बॉलीवुड के बिग बी इन प्रतियोगियों पर सवाल की बरसात करते हैं और इन सवालों का जवाब देकर प्रतियोगी करोड़पति बनते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंचे इंदौर के आसिम चौधरी। शो को होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा। सवाल सुनते ही आसिम का चेहरा बदल गया और 5 सेकंड में ही लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली, फिर भी सवाल का गलत जवाब दिया। दरअसल आसिम चौधरी से सवाल पूछा गया था कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन पैगंबर नहीं थे। सामने 4 ऑप्शंस थे, ए आदम, बी मोहम्मद, सी मूसा और डी जिब्रील, जिसमें से इन्हें सही जवाब चुनना था और उन्होंने गलत जवाब चुन लिया। वहीं अमिताभ बच्चन ने इसके बाद अगला सवाल पूछा, जिसका जवाब आसिम चौधरी ने बिना लाइफलाइन लिए ही दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। शो के एंकर अमिताभ बच्चन भी हैरान हो गए, क्योंकि ये सवाल हिंदू धर्म से जुड़ा था, जिसमें पूछा गया कि वैदेही, जानकी और मैथिली किस पौराणिक चरित्र के अन्य नाम है। वहीं एक बार फिर 4 ऑप्शन थे, ए द्रौपदी, बी कौशल्या, सी सीता, डी केकई, जिसमें से जवाब बताना था और आसिम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस पर अमिताभ ने जब इसकी सही जानकारी होने के बारे में पूछा तो आसिम चौधरी ने बताया कि रामायण और महाभारत पढ़ी हुई है और उनकी शादी ऋचा नाम की ब्राह्मण लड़की से हुई है। वहीं इस सवाल पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यूजर आसिम चौधरी पर मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम की जानकारी नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।